हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टॉक मार्केट्स विद केआर। स्टॉक मार्केट समाचार आज शाम 4:51 पे ऐसा हाल है, मार्केट खत्म चुका है 3:30 को। निफ्टी ने और एक नया हाई लगाया 24,635 पे। ओपन भी एक नए हाई पे हुआ 24,588, जो कि पहले दिन के 12 जुलाई के कंपैरिजन में 200 पॉइंट ऊपर खुला निफ्टी। निफ्टी खत्म हुआ 24,587, 1 पॉइंट ओपन से कम हो गया। इसके लिए वो डोजी बन गया, इनडिसिसिव कैंडल हो गई है। बायर या सेलर को पता नहीं है कि अब क्या करे, मार्केट को ऊपर लेके जाए या नीचे लेके जाए। हाँ, सभी चाहते हैं, ट्रेडर इन्वेस्टर चाहते हैं कि ऊपर ही लेके जाए, लेकिन मार्केट को पता नहीं है कहाँ क्या होने वाला है। 14.19 की इंडिया विक्स की जंप हो चुकी है इंडिया विक्स, तो ये थोड़ी सी अच्छी सी बात नहीं है दोस्तों। चलिए देखते हैं निफ्टी का चार्ट। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बिकॉज ओपन एंड क्लोज इज द सेम। ये है डेली चार्ट, सॉरी, ये है वीकली चार्ट। डेली चार्ट भी ऐसा ही दिखेगा, क्योंकि वीक और डे एक ही है आज। 1 आवर चार्ट पे निफ्टी दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा नीचे जा रहा है, मोमेंटम लॉस हो रहा है। यहाँ पे सुबह में जो कैंडल हुई थी वो अच्छी खासी कैंडल हुई थी, और उसके बाद मोमेंटम थोड़ा सा लॉस हो चुका है। 15 मिनट पे 20 मूविंग एवरेज के नीचे निफ्टी, अच्छे आसार नहीं है। RSI भी 60 के नीचे। देखना ये है कि कल ये मोमेंटम जारी रख पाएगा क्या, ये कल 24,600 के ऊपर चलेगा कि नहीं। निफ्टी ने को ऊपर ले जाने के लिए इन स्टॉक्स रिस्पॉन्सिबल है SBI, SBI लाइफ इंश्योरेंस, ONGC, ITC, बजाज फाइनेंस, और नीचे ले जाने के लिए जिम्मेवार है LT, माइंडट्री, ग्रासिम, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक और एशियन पेंट्स। यह है टॉप परफॉर्मिंग इंडाइसिस आज के। मेजर इंडाइसिस 50, 50.35, 0.34, 0.86 निफ्टी मिड कैप ऊपर, 0.86 निफ्टी नेक्स्ट 50 भी ऊपर। तो अच्छी सी मूवमेंट रही है ओवरऑल मार्केट में, लेकिन एंड अच्छा सा नहीं हुआ है। ये एक चिंताजनक स्थिति है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेहतर, निफ्टी से पॉजिटिव क्लोज हुआ, उसका 200 पॉइंट करीब ऊपर गया है, और 52,662 का हाई, 154 का लो, और 52,456 का क्लोज। चलिए देखते हैं चार्ट पे ये क्या दिखाएगा। उसके पहले देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी को कौन से स्टॉक ऊपर या नीचे लेके गए हैं। यहाँ पे मैं जाऊँगा, क्लिक करूँगा निफ्टी बैंक पे, तो निफ्टी बैंक कॉन्ट्रीब्यूटर से मेजर उनके परफॉर्मेंसेस दिख जाएंगे। चलिए यहाँ पे SBI, ऑब्वियसली निफ्टी को भी ऊपर ले जाने में इसने मदद की थी। SBI, PNB, कोटक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड बैंक, PSU बैंक्स का कंट्रीब्यूशन अच्छा रहा है। कोटक हमेशा मार्केट से उल्टा ही चलता है, तो कोटक है, HDFC बैंक है, ये अपनी मगन में मस्त, धुन में मस्त रहते हैं, और नीचे जाने के लिए मदद की बैंक निफ्टी को एक्सिस बैंक, ICICI, HDFC बैंक, AU स्मॉल बैंक, NIDFC फर्स्ट बैंक। चलिए देखते हैं चार्ट पे निफ्टी बैंक क्या दिखा रहा है। निफ्टी बैंक करेंगे चार्ट पे 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट, अच्छा सा मूव, लेकिन ऊपर नीचे सेम है, थोड़ा सा निफ्टी जैसा ही है, लेकिन स्लाइटली बेटर कंपोज्ड है। और ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा कि नहीं मालूम नहीं है, थोड़ी सी इनसाइड कैंडल जैसी हो गई है, लेकिन लो फ्राइडे के लो से थोड़ा सा नीचे गया। फ्राइडे से हाई से लो, आज का लो कम है, RSI 60 के पर है, अच्छी बात है। बैंक निफ्टी शायद ऊपर जाने की कोशिश करे, कर सके और रह सके, जब HDFC बैंक और ICICI बैंक ऊपर बरकरार रहे, नीचे गिरावट उनकी ना हो, तो ही यह काम हो सकता है। मैंने आपके लिए स्टॉक्स का एक वीडियो किया था कल, जो आपने जरूर देखा होगा। उसमें से कुछ स्टॉक चले होंगे, कुछ नहीं चले होंगे। चलिए देख लेते हैं 1 आवर में
क्या है, अच्छा परफॉर्मेंस है, आरएसआई ऊपर की तरफ मुड़ रहा है, धीरे धीरे 15 मिनट में भी आरएसआई ऊपर की ओर मुड़ रहा है, नीचे आरएसआई 60 का रेजिस्टेंस फेस करने के बाद 20 मूविंग एवरेज अच्छे से क्रॉस ओवर दे रहा है 20-50 का, ये इट इज अ गुड ट्रेड एक्चुअली। ये हाँ गुड ट्रेड हो सकता है ये निफ्टी, शायद कल गैप अप खुले ऐसा लग रहा है मुझे। अभी तक FII DII की कंट्रीब्यूशन की लिस्ट नहीं आई है, डिटेल्स नहीं आई है, तो मैं आपके साथ ये शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे फिर और इंटरेस्टिंग इनसाइट के साथ, और तब तक के लिए आप हमारे चैनल की वीडियो देखते रहिए, सीखते रहिए, मार्केट में ट्रेड लेते रहिए, स्टॉप लॉस मेंटेन करते रहिए, कैपिटल को बनाए रखे, अपनी प्रोटेक्ट करिए और खुश रहे जिंदगी में। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।